दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सीजन में देखा था कि बाबा और मिस्टर मीट के बीच जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें मिस्टर मीट बाबा के हाथों खूब मार खाता है और हंट, जो मिस्टर मीट का भाई है, वह छोटा हो जाता है, जिसके बाद मिश्रा जी उसे बहुत परेशान करते हैं। मिस्टर मीट को सबक सिखाने के लिए बाबा उसे बहुत तेज ऊपर की ओर फेंक देते हैं, जो एक दूसरी ग्रह में जाकर गिरता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा के प्रहार से मिस्टर मीट दूसरा प्लेनेट में आ जाता है, जहां एलियन का राज होता है। मिस्टर मीट को काफी समय के बाद होश आता है और वह देखता है कि सामने कोई एलियन उसी की ओर घूर रहा है। अरे ओ एलियन, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मिस्टर मीट के बोलने पर एलियन उसके नजदीक जाने लगता है। ये तो मेरे पास ही आ रहा है, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहता है? एलियन को अपनी ओर आता हुआ देख मिस्टर मीट घबरा जाता है, इसलिए वह अपनी शक्ति से एलियन पर वार करता है। मिस्टर मीट के वार से एलियन बेहोश हो जाता है। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि ये एलियन भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। किसने मुझे पीछे से मारा? कौन है यहाँ पर? मिस्टर मीट खड़ा होकर देखता है तो उस पर हमला करने वाला एलियन ही था, जो कि बहुत ही मात्रा में था। इतने सारे एलियन पर मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होगा। मिस्टर मीट सभी एलियन को मारने के लिए जैसे ही हमला करने वाला था, तभी एलियन मिस्टर मीट को एक जोरदार पंच लगाता है। एलियन के एक ही पंच से मिस्टर मीट का हालत खराब हो जाता है और वह दर्द से छटपटाने लगता है। अरे तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर मीट को एलियन का लैंग्वेज समझ नहीं आता है, इसलिए वह उससे पूछने की कोशिश करता है। तभी एक दूसरा एलियन मिस्टर मीट को एक और पंच लगाता है। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मिस्टर मीट का बात कोई भी एलियन नहीं समझता है और वह उसे अपने साथ ले जाने लगता है। उधर सभी एलियन को खबर हो चुका होता है कि उसके ग्रह में कोई दूसरी दुनिया से आया है, जो बहुत ही ताकतवर है। बोलो सेनापति, क्या खबर लाए हो? महाराज, एक एलियन हमारी दुनिया में आया है, जो बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान है, पर हमने उसे कैद कर लिया है और अब वो हमारे राज में प्रवेश करने वाला है। आने दो उसे मेरे पास, मैं उसका सारा शक्ति अपने अंदर संभालूंगा। एलियन मिस्टर मीट को लेकर अपने राज में प्रवेश करता है। मिस्टर मीट अपने चारों तरफ देखता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है कि अर्थ की तरह भी यहाँ एक दुनिया संभव है। सभी एलियन मिलकर मिस्टर मीट को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। मुझे पिंजरे में कैद क्यों किया? शायद तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। अरे तुम सब आपस में क्या बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे पक पक से परेशान हो चुका हूँ। मिस्टर मीट गुस्सा में जमीन में वार करता है, जिससे पिंजरा हवा में उड़ जाता है। मिस्टर मीट को पकड़ने के लिए एलियन उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर मिस्टर मीट अपनी शक्ति से सभी एलियन को जोरदार झटका देता है। मिस्टर मीट के वार से कुछ एलियन बेहोश हो जाता है। मिस्टर मीट का पावर देखकर सभी एलियन डर के मारे वहीं खड़ा रहता है। तुम सबको क्या लगा तुम मुझे कैद कर लोगे, पर तुम्हें पता नहीं है कि मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। इधर मिस्टर मीट बहुत खुश होता है, क्योंकि उससे सभी डरा हुआ था। उधर एलियन के महाराज को यह खबर का पता चलता है। सेनापति, वह अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझ रहा है, पर उसे पता नहीं है कि उससे भी ज्यादा ताकतवर एस्ट्रोस के पास आ रहा है।
उधर मिस्टर मीट खुश था, पर उससे मुकाबला करने के लिए कोई उसकी तरफ आ रहा था, जिसका नाम एस्ट्रो है। मिस्टर मीट का नजर एस्ट्रो पर पड़ता है तो वह समझ जाता है कि जरूर ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए उससे बचने के लिए मिस्टर मीट एस्ट्रो पर हमला करता है, लेकिन एस्ट्रो अपने आप को गायब कर लेता है। एस्ट्रो के गायब होने पर मिस्टर मीट इधर उधर एस्ट्रो को खोजने लगता है, पर उसे अचानक एस्ट्रो फिर से दिखाई पड़ता है जो उसी की तरफ आ रहा था। तुम जो भी एलियन हो, पर तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मिस्टर मीट फिर से एलियन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले एस्ट्रो का वार से मिस्टर मीट मार खा जाता है। एस्ट्रो के वार से मिस्टर मीट खड़ा नहीं हो पाता है और वह दर्द से कांपने लगता है। एस्ट्रो मिस्टर मीट के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, तभी वहां एलियन का महाराज आ जाता है जिसका नाम स्काइलर है। स्काइलर का इशारा मिलते ही एक एलियन मिस्टर मीट के ऊपर कुछ गिराता है, जिससे एलियन का बातचीत उसे समझ में आए। कुछ एलियन मिलकर उसे फिर से पिंजरा में कैद कर देता है। मिस्टर मीट मीट नहीं खाया था, इसलिए वह कमजोर होता जा रहा था। मुझे मीट दो, मेरी शक्ति कमजोर होते जा रही है। अरे ओ परजीवी, यदि तुम्हें मीट चाहिए तो मैं जो जो पूछूंगा उसका सही जवाब देना। ठीक है, पूछो, क्या तुम्हें जानना है? तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ, और तुम यहाँ कैसे आए वो भी बताओ। मैं मिस्टर मीट हूँ और मैं पृथ्वी ग्रह का निवासी हूँ, पर बाबा की वजह से मैं यहाँ आ गया। मिस्टर मीट, एक और बात बताओ, क्या तुम्हारी ही तरह पृथ्वी ग्रह में और भी लोग शक्तिशाली है? हाँ, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर वो बाबा है जो मुझे अपनी शक्ति से यहाँ फेंक दिया। मिस्टर मीट का बात से स्काइलर समझ जाता है कि पृथ्वी में शक्तिशाली लोगों का जीवन है, इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह पृथ्वी पर हमला करेगा। मिस्टर मीट, तुमने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हो, इसलिए इसके बदले में मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ अपने अंदर लेने वाला हूँ। ना, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मिस्टर मीट अपनी पूरी ताकत लगा देता है और फिर से पिंजरे से बाहर निकल आता है। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तुम सब धोखेबाज हो। मिस्टर मीट तेजी से गोल गोल घूमता है और सभी पर हमला करता है। मिस्टर मीट के लगातार वार से सभी एलियन परेशान होने लगते हैं, इसलिए एस्ट्रो अपनी शक्ति से मिस्टर मीट पर हमला करता है, जिसके बाद मिस्टर मीट बेहोश हो जाता है। बहुत अच्छे एस्ट्रो, तुम हमारे सेना के सबसे ताकतवर योद्धा हो। महाराज, अब मिस्टर मीट की शक्ति लेने का समय आ गया है। स्काइलर अपने पावर की मदद से वह मिस्टर मीट का शक्ति अपने अंदर समाने लगता है। वाह, यह शक्ति पाने के बाद मैं बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। महाराज, अब आगे का क्या आदेश है? सेनापति, अब हम सब मिलकर पृथ्वी पर हमला करेंगे और वहाँ के लोगों का शक्ति उससे छीन लेंगे। जो आपकी आज्ञा महाराज, सुनेगी नहीं तुम सब, अब चलो पृथ्वी में जाने की तैयारी करो। अपने सेनापति और महाराज का आज्ञा मिलते ही सभी लोग पृथ्वी में जाने की तैयारी करने लगते हैं। महाराज, इस मिस्टर मीट का क्या करें? क्या इसे यहीं छोड़ दें या साथ में ले चलें? सेनापति, जब सब कोई जा रहा है तो इसे भी अपने साथ ले चलो, क्या पता ये हमारी कुछ मदद कर दे। अपने महाराज की बात मानते हुए एलियन मिस्टर मीट को रॉकेट में बैठा देता है, जिसके बाद सेनापति और महाराज भी रॉकेट में बैठ जाते हैं। सभी एलियन के रॉकेट में बैठने के बाद सभी लोग अर्थ की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या स्काइलर पृथ्वी पर कब्जा कर पाएगा या उसे वहाँ से भागना पड़ेगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।